ओम शांति, ओम शांति। मैं एक आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ जो भावना बात कर रहे हैं कि अभी चल रहा है कहानी, जीवित है कहानी में। पंजाब में एक बहन कभी एक दिन मिली, भाई जी हमारे अभी तक छोटा सेंटर है, छोटा सा बाबा ने मकान दिया। मैंने कहा बड़ा देगा बाबा कभी। एक दिन एक डॉक्टर ने नया मकान बना हुआ था रेडीमेड फुल, तो बहन जी को कहा बहन जी आप एक मकान ले लो, सेंटर खोल लो। उन्होंने हमको बताया फोन करके, वो गई और उनके साथ बड़ी टीचर भी गई, बड़ी बहन भी जो दूसरे सेंटर में, दोनों गए। दोनों जा करके उस मकान को देखा, पाव रखा, रखती बहन जी कहते हैं मुझे फोन करके, भाई जी ये मकान बाबा की सेवा के लिए नहीं योग्य नहीं है, नहीं लेना चाहिए। बहन जी दिमाग ठीक है, बड़ी बहन जी कुछ भी नहीं कह रहे, नहीं मुझे पाव रखते ही संकल्प आया कि ये नहीं लेना चाहिए। रेडीमेड न्यू, अभी तक ओपनिंग भी नहीं, कोई घुसा भी नहीं अंदर, कहते नहीं लेना चाहिए, नहीं लिया, वापस आ गए, नहीं चाहिए। 2 महीने के बाद कोई एक साधारण व्यक्ति साइकिल से आया, बहन जी आप तो उस दिन मकान ढूंढ रहे थे, जमीन मिला नहीं आपको, ये ले लो 9 लाख रुपए जमीन ले लो। जमीन लेकर अभी 2 फ्लोर तैयार हुआ, कहते मैं और एक थोड़े समय अगले शिवरात्रि तक 3रे फ्लोर तैयार करेंगे। 2 फ्लोर अभी हुआ। अपने आप सच्चे दिल पर साहेब भगवान देता है, मनुष्य नहीं। किसी बच्चों को जैसे बैगरी पार्ट में भी यज्ञ में 50 पैसे भी नहीं थे, 12 बजे तक खाने के लिए भी कुछ नहीं। मम्मा गई, बाबा क्या करे, अच्छी बाबा बैठा है, मेरा संसार नहीं। 350 बहने भाई थे, कुछ भी नहीं 12 बजे तक खाने के लिए, बाबा बैठा। बॉम्बे में एक माता 1000 रुपए का नोट लिफाफे में डालकर पोस्ट, बाबा ने कहा पोस्ट ऑफिस आने, पोस्ट आने दो, तब तक है ना 12:30 बजे पोस्ट ऑफिस आता है, पोस्ट का लेटर आता है। एक लिफाफे के अंदर देखा, लिफाफा खोला, 1000 रुपए, जाओ मार्केट से सब्जी अनाज लेके आओ। कौन देखता है, कौन खिलाता है? और वो माता भी ज्ञान भी नहीं थी, ज्ञान में भी नहीं चलती थी कोई रिलेशन। उनको पता चला कि यज्ञ में बहुत बैगरी पार्ट है, खाने के लिए कुछ नहीं, कैसे भेजे पैसे लिफाफे में डाल के। मनी ऑर्डर करना है तो ऑफिस पोस्ट ऑफिस में जाना, पति को और किसी को पता चलेगा, लिफाफे में डाला भेज दिया। तो भगवान, तब बाबा ने कहा बाप भी ऐसे बच्चों का ऋणी है, क्योंकि भगवान को मदद किया है और किसी को नहीं।